करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप चना दाल। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके 2 घंटा भिगो के रख दिया था। ये देखिए चना दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग गए हैं, सूख हो चुके हैं। अब इसको ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। चना दाल को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 इंच अदरक की पीसेस, 4 हरी मिर्च, 10 से 12 करी पत्ता। अब सारे चीजों को दरदरा पीसेंगे। बिल्कुल रिफाइंड पेस्ट नहीं करना है, बिना पानी डाल के हम इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे चना दाल को दरदरा पीस लिया है। ये देखिए इससे ज्यादा फाइन पेस्ट हमें नहीं करना है। चना दाल की पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। आप व्रत के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसमें सीधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। और ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के बेसन। नमक और बेसन को इस पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन मैंने डाला है बाइंडिंग के लिए, तो थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत फटाफट भी बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्ट बनता है। और अब हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और बाइंड करेंगे। देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो गाइस ये हमारे दाल बड़ा के लिए मिश्रण परफेक्टली रेडी है। अब चलते हैं हम फ्राई करने की प्रोसेस में। एक पैन में ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और दाल बड़ा को एक एक करके फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई कर लेंगे और हमें बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल 2 चम्मच ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो दाल बड़ा का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। अब इस बड़े को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे दाल बड़ा हल्का सा फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सारे दाल बड़ा को प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और आप क्या करेंगे देखिए, इस तरह से प्रेस कर देंगे एक एक करके दाल बड़ा को इस तरह से, और इसको डबल फ्राई कर लेंगे। इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए हम दाल बड़ा को डबल फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम पे रखेंगे। दाल बड़ा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ना इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो गाइस यहाँ पे दाल बड़ा को हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, नहीं तो बिखरने लगेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारी दाल बड़ा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने दाल बड़ा को फ्राई करके सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। देखिए कितना लाजवाब बन के तैयार हुए हैं और खाने में कितना मजा आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बादाम की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको आज का इस रेसिपी की वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी को भी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। एंजॉय है, पिक अप, बाय, टेक केयर।